यहाँ पर मोदी जी आए थे यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान कैंपेनिंग करने। उन्होंने वहाँ के मंच से कहा कि गोंडा में चोर रहते हैं, है ना? तो बीइंग अ गोंडा की रहने वाली, क्या आप मोदी जी के इस बयान से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं खुद कहती हूँ कि यहाँ पे जिससे पहले सरकार थी उसने क्या किया है, क्या किया उन्होंने? अगर हम यहाँ आज खड़े, मैं आप नकल आप नकल की बात करें, गोंडा का सबसे बड़ा नकल माफिया को, ये जो गोंडा का, सुनिए, जो ये नकल आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि नकल के मामले में गोंडा उबले, तो इस देखिए कि नकल ये आज नहीं जन्म लिया, इसका पेड़ कब से लगा, जब से सपा बसपा की गवर्नमेंट आई। गोंडा में सबसे बड़ा नकल माफिया कौन है? गोंडा में सबसे बड़ा नकल माफिया कौन है? ये तो नरेंद्र मोदी ने खुद बता सकता हूँ, नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपने अनाउंसमेंट कहा है। एक मिनट लाइव है, आप तो सरकार नहीं करते हैं। करीब 5 दर्जन स्कूल और कॉलेज इनके जो है सांसद जी माननीय बृजभूषण सिंह जी के हैं सांसद है। अवध यूनिवर्सिटी के कुलपति जी ने खुद आके गेट पे बैठ के उनके स्कूल को नंदनी नगर को सीज कराया, ताला लगवाया, सिर्फ इसलिए कि सबसे ज्यादा नकल यहाँ होती है। शिक्षा का जो जितना बड़ा माफिया का नेटवर्क है उन सबके हेड माननीय सांसद जी, नकल के सबसे बड़ा माफिया गोंडा में माननीय बृजभूषण शरण सिंह है, समाजवादी जो शिवपाल यादव की प्रगतिशील पार्टी के मंटू गांधी जी कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा आरोप है शिक्षा, अभी विकास जी ने कहा कि शिक्षा की कमी है, समाजवादियों को उन्होंने बताया कि समाजवादियों में शिक्षा की कमी है, इस वजह से वो ऐसी हरकत करते, तो नकल ऐसा बिल्कुल गलत बात है। माननीय सांसद जी आज शिक्षा जगत में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं और जिले में करीब 52 विद्यालय हैं उनके, और उसमें बहुत सारे बच्चे, उज्जवल भविष्य उनका हो रहा है। नकल का आरोप लग रहा है, नकल करके कैसे भविष्य उज्जवल? नकल नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो, बीजेपी गवर्नमेंट में नकल हो ही नहीं रहा है, ये सब समाजवादी सरकार में। मंटू गांधी ने कहा कि नंदनी नगर महाविद्यालय को सीज किया गया है, आपने पार्टी छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक पंडित सिंह जी, विनोद कुमार पंडित सिंह जी जब साथ में थे आपके मंत्री थे, खैर मंत्री और मुख्यमंत्री और सांसद सबका होता है, तो उनके ऊपर भी कई कॉलेजेस हैं पंडित सिंह के, और उनके ऊपर भी आरोप ऐसे लगते हैं कि नकल होती है, नकल करवाते, क्या कहना है? विकास जी भी आरोप लगा रहे हैं। सही बात यह है कि माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी दोनों भाई भाई हैं, कभी इनकी कभी उनकी, तीसरा कोई आ नहीं पाया, उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बाकी आप सब जानते हैं। लेकिन